एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी वेल्ले बैठे हुए हैं। बेटी रिच में चुड़ैल कहाँ से लग रही है? मुँह एकदम फैली। बेटू बस ऐसे हमेशा ऐसे ढूंढी रहती है कि बस अभी बेटू सो जाएगी। और घर में चल रहा है काम, जो दिन लालू खाड़ दिया गया था उसी में काम चल रहा है। दिखाती हूँ, ये बना हुआ है मसाला और वो गड्ढा। तो ये मेरा बैटर जो है, ये देख सकते हैं, इसमें अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ हल्दी, ताकि क्योंकि अभी ये पूरा उस तरह से येलो येलो नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें मैं इतनी सी हल्दी डालूँगी जिससे इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। या फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हल्दी ठीक रहती है इसलिए। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक, तो नमक ही इतना मैंने लिया है, थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि कम ना लगे, इतना और डाल देती हूँ बस। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा बैटर मेरा जो है पतला हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने में फिर ये ढंग से वो नहीं होगा, फूलेगा नहीं। ये हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ईनो ताकि ये और अच्छे से जब बने तो एकदम स्पंजी बनेगा। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ये, और इसको मिक्स कर देती हूँ बस। भगोने में मैंने एक गिलास पानी डालकर तेज आंच में चढ़ा दिया है ताकि वो अच्छे से पानी उसका खौलने लगे। तब तक मैं ये कटोरे में मैंने डाल दिया है ऑयल और इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ अच्छे से। ये बैटर मैंने इसमें भर दिया है, पूरा नहीं, मतलब इतना स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि जब ये फूलेगा तो फूलने के बाद भी इसको थोड़ा सा चाहिए ना स्पेस। और पानी खोल गया है तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और वो सेकेंड टाइम में बनाऊँगी। मैंने चढ़ा दिया इसको, हल्का सा इसकी फ्लेम जो है ना कम कर दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखूँगी कि कैसा बना है। ढोकला ऐसा मेरा रेडी हो गया है ये, और अब मैं लगाने जा रही हूँ छौंक। तो मेरा हो गया है पैन गरम और मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, अभी एक बैटर और है वो बन रहा है इसलिए। और तेल हो गया है गर्म, तो मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी राई। राई को चटकने देंगे, ये चटक गई। फिर इसमें जाएगा मिर्ची, फिर जाएगा कड़ी पत्ता, फिर बहुत तेज से टमाटर, इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। अब इसमें डाल दूंगी चार से, ये चार चम्मच मैंने चीनी लिया हुआ है, इसको डाल दिया। फिर जाएगा ये नींबू का रस, खट्टा मीठा का बना, जाएगा पानी बस। अब इसको थोड़ी देर खोलने देंगे, थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा, फिर इसको बंद करेंगे। बॉयल आ गया, अब इसको करते हैं हम बंद और इसको डालते हैं उसमें ढोकलों में। अब इसको हम इसमें ऐसे करके डालेंगे ताकि अच्छे से ये जो मैंने बनाया है रस इसको सोख ले। इसी तरह इसको पूरे में फैला लेंगे।
कल हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, मुझे जुकाम बुखार सब हो गया था, एनर्जी लेवल एकदम लो चला गया था, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई। आज बनाने जा रही हूँ और कॉल आ रही है किसी की। मैं चेरी परेशान है क्योंकि वो मिस्त्री आए हुए हैं तो इसको बांध के रखा गया है, नहीं तो ये वहाँ परेशान कर दिए जा कर के। ये बैठी हुई हैं, अभी वो जब चले जाएंगे तब इसको खोलेंगे। तो मैंने चिप्स फ्राई किए हुए थे, चिप्स फ्राई की थी और चाय साथ में हम लोगों ने ली थी। ये रखे हुए हैं अभी इनको खाने, उनके लिए और वो जो आए हुए हैं उनके लिए। दूध पक गया है, अब जा रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने। दाल देखूँगी, अगर कोई खाएगा पूछूँगी, खाएँगे तो दाल बना दूँगी और मेरा खाना बन जाएगा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम करना है जो कि मैं करूँगी, आज सोचा है कर लूँ। किचन अभी फैला हुआ है, वो अमरूद पड़े हुए हैं। उस दिन अमरूद कल मंडी गए थे ना सब्जी लेने, तो अमरूद मिले थे लेकिन इसमें से आधे सड़े निकल गए हैं, पता नहीं। बेटू तो ऐसे घूमती रहती है जैसे कि बीमार हो गई बेचारी। और मैंने जो मीशो से साड़ी मंगाई थी वो आ गई है, उसको मैंने बनने के लिए मतलब उसका ब्लाउज फॉल पिको होने के लिए दिया हुआ है, वो होकर आ जाए। और मिंत्रा से जो ऑर्डर की थी वो मतलब अभी तक पहुंची नहीं है, लेट हो रहा है उसको आने में, तो जब वो आ जाएगी तो उसको भी कंप्लीट करवा लूँगी। और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोनों साड़ियाँ कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ली हुई हैं। घर के बाहर हो गई है सफाई, आज सफाई अभियान चला है तो अंदर सारी गायों के देखो कैसे एकदम वो हो गए हैं, बढ़िया चारा मिल गया है गायों को। हमारी गाड़ी आज दिन में बाहर खड़ी रही है क्योंकि अंदर काम चल रहा था, इसलिए सारी झाड़ काट दी गई है क्योंकि यहाँ पर सांप और बिछखापर बहुत घूमते रहते हैं, इसलिए बच्चों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर जो काम चल रहा था ना वो कुछ ऐसा बन गया है और यहाँ पर टाइसन अपने पद चिन्ह छोड़ कर गए हैं, चेरी फुटप्रिंट उसने अपना यहाँ पे दे दिया है, यहाँ भी दे दिया है। और ये बन गया है इसमें, इसके लिए ना आयरन का वो बनवाना है ढक्कन। एक नहीं पांच पांच शेरी घूम रही है। ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, हम लोग कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।